सब उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे ही होंगे। और मैं अगेन वही चीज़ क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दूँ कि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया हमारे पास या जिन्होंने मुझे सेंड कर दिए हैं अपने प्रोजेक्ट्स। और कुछ लोगों के अभी भी रहते हैं तो लोग मेरा बेटा जस्ट मुझे टेक्स्ट करें, कॉल नहीं करें बाय द वे, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास में आप लोगों की एक तो कॉल पिक भी नहीं कर सकता। अब मेरे भाई व्हाट विल बी द इट्स लेंथ ऑन अर्थ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ ऑन अर्थ कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑन अर्थ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ के लिए साथ ई लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। एक तो ये चीज़ पूछी गई है। सेकेंडली व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून दूसरी चीज हमसे ये पूछी गई है। एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें पता है कि अर्थ पर जो जी की वैल्यू होती है। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वैल्यू ऑफ जी, आइंस्टाइनो मेरा बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे बताने का मकसद ये होता है अगर सॉल्व चीज़ें ही अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए तो बुक भी मेरी जान आप लोगों के पास है। जब बुक है तो फिर आपको क्लास में लेक्चर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो कंसेप्चुअल इशू आए जहाँ पे सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आए टीचर आपको वो चीज़ बता दे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ करवाई जा रही है। अदरवाइज़ आज हम साउंड वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते थे। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ या ग्रेविटेशन एक्सेलरेटेड टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इसी की वैल्यू मून पे देखी जाए, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, उन्होंने खुद बताया है कि अगर जी ई की वैल्यू को मज़ीद 10^6 पे डिवाइड किया जाए, 10 डिवाइडेड बाई 6 ही आता है बेटा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून और ये दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अब मेरा बेटा हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें जो चीज़ निकालनी है वो मेरे भाई है वैल्यू ऑफ लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। सो रिलेशन या फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा वो ये है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू 2π√L/g। इन जनरल टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है T इज इक्वल टू 2π√L/g। जी आइंस्टाइन, T इज इक्वल टू 2π√L/g। अब मेरे भाई हमें तो लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले इस फार्मूले में से एल को सेपरेट करना होगा। इस सेल को सेपरेट करने के लिए आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यह आएगा बेटा टी का स्क्वायर 2π√L/g का होल स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इधर आ गया मेरा बेटा 4π² × L/g। अब हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो g इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा जी जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π² और इधर बच गया हमारे पास L। ये हमारे पास फाइनलाइज फार्मूला आ गया टू कैलकुलेट द लेंथ ऑन अर्थ एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑन मून। अब आपको बड़ी अच्छे से पता है कि T की वैल्यू हमें दी गई है 2 सेकेंड और G की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट होगी, तो हम G की वैल्यू दोनों केसेस में चेंज करके लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेंटर में एक लाइन लगा देता हूँ और यहाँ पर 1 लिख के लेंथ ऑफ अर्थ कैलकुलेट करता हूँ। लेंथ ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए लिखूँगा जी के साथ ई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4π². टी स्क्वेयर और 4 और पाई स्क्वेयर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ अगर वैल्यू बदल रही है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी हो रही है। उसके
टेंथ ऑफ मून। मेरा बेटा मेरे ख्याल में अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। और उमेर भाई मेरा बेटा आपके पास बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा काइंडली पहले लेक्चर सुन लें, उसके बाद आप जो सदका जारिया का काम सिलसिला जो है वो जारी रखिएगा। जी एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4π² अब लेंथ ऑन अर्थ जब कैलकुलेट करनी होगी, लेंथ ऑन अर्थ एल ई, तो जी की वैल्यू लिख देंगे 10 और मून में जब कैलकुलेट करनी होगी तो जी की वैल्यू लिख देंगे 1.66। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, लेंथ ऑन अर्थ 10 × 2² डिवाइडेड बाय 4। आपको बड़े अच्छे से पता है कि पाई की वैल्यू होती 3.1428, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम मीटर में लिख देंगे, कैलकुलेट करें जी। और लेंथ ऑफ मून एल एम, जी की वैल्यू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 2² बाकी सारी वैल्यूज 4 × 3.1428, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके इसका आंसर भी मीटर में आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द लेंथ ऑन अर्थ एंड द लेंथ ऑन द मून। सो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्वेबल थी कि आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम में अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि आपकी लेंथ जी पे भी डिपेंड करी, जब जी चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी। हमने उस फार्मूले से पहले लेंथ को सेपरेट किया बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द लेंथ। तो ये न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला अच्छा खासा लेंथी हो गया। इस तरह से एक आंसर आपके पास 1.02 मीटर आ जाएगा और एक 0.17 सेंटीमीटर मीटर आ जाएगा जी। इस बारे में मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। और मुझे पहले ये चीज़ भी बता दें आप लोग साथ साथ ही कि मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी अबाउट द प्रोजेक्ट, तो किस किस ने किया है और आज उसका लास्ट डे था। बेटा पेज नंबर 17 बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है। नहीं बेटा बेटा इसको दोबारा से सॉल्व करें, हमने न्यूमेरिकल का आंसर गलत निकाला है। लाहौल वाला को अल्लाह बिल्लाजी में इतने करीब से दिखाई क्या, जरा दिखाए इट्स ओके मेरा बेटा कोई बात नहीं। चलो लेट्स सी, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बात करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, जितने बेटा हो जाएंगे बाकी आप लोगों को भी कहा जाएगा। द पेंडुलम लेंथ, अब लेंथ हमारे पास गिवन है पेंडुलम की 10.2 न्यूमेरिकल में, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 0.99 मीटर।
द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज टी, फोर पॉइंट नाइन सेकेंड, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी. We know that t is equal to 2 pi under root l over g. हमें मैं यहाँ से g निकालना है, अगेन स्क्वेयर लेंगे t स्क्वेयर, वही फार्मूला 4 pi स्क्वेयर under root l over g. अब मुझे g निकालना है तो t स्क्वेयर की जगह पे ले जाता हूँ. So g is equal to 4 pi स्क्वेयर इंटू एल ओवर टी स्क्वेयर. ये फार्मूला आ गया जी हमारे पास जी का. आपने आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है. जी इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ पे गया 3.1428 का स्क्वेयर. एल हमारे पास कितनी आ रही थी, लेंथ 0.99 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है टी, टी क्या आ रहा है मेरा बेटा 4.9 और उसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वेयर. जब जी निकालेंगे आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. इट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी मेरा बेटा, सर वीडियो क्लियर नहीं, क्या आया वीडियो में इशू मेरा बेटा. हाँ ये बात तो बड़ी मजे की, लेकिन सिर्फ ये चीज बताई गई है कि आपके पास जब जगह को चेंज किया जाए तो पेंडुलम की लेंथ उसके टाइम पीरियड में फ़र्क आ सकता है. बड़े पुराने ज़माने में पेंडुलम को यूज़ किया जाता था टू कैलकुलेट द टाइम, क्योंकि ये एक इक्वल इंटरवल्स में टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसकी मोशन से टाइम कैलकुलेट किया जाता था. लेकिन बाद में ये चीज़ बदल दी गई, क्योंकि ये जगह टू जगह जगह बदलने से इसकी वैल्यू भी तब्दील हो जाती है, इसलिए ये फिर दोबारा यूज़ नहीं किया गया. ये था जी पर्पज़ हमारे पास. अदरवाइज इतनी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है कि उसको चांद पे लेके जाया जाए. और व्हाट अ क्वेश्चन का आंसर फिर यही आता है मेरा बेटा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे ख्याल में मेरा बेटा मैंने बता दी है, अगर आपने सुना हो तो. जी वफा, अभी क्लियर हुआ कि अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई ही है. चलें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट देखें आप लोग 10.3. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर लेंथ. लेंथ गिवन है और अब आप लोगों ने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है. आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को. इसका मैं हिंट दे रहा हूँ 10.3 का,
कि फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट करने का है जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब आपको जी की वैल्यू अर्थ पे भी पता है, जी की वैल्यू मून पे भी पता है, और उसके अलावा इनकी लेंथ भी गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ टी कैलकुलेट करना है ये वैल्यू मून और अर्थ के लिहाज से लगा कर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.3, और 10.3 आप लोग एक दफ़ा खुद सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मेरे बेटा मैं आप लोगों को करवा दूँगा। जी रेहाब साहब, ये क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछे। रुकैया अब्दुल्ला सना एनी अब्दुल्ला फिजा मरियम हमजा कासिम रेहाब। सर आई एम न्यू फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द रीसेंट लेक्चर। मेरा बेटा आपको सामने कैंपस की एक पूरी स्लॉट नज़र आ रही होगी जहाँ पे पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब सब कुछ लिखा होगा तो वहाँ पे लोड मोर की ऑप्शन आएगी, उसके ऊपर क्लिक करें तो सारे प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर वॉच आ रहा होगा, उसको देखते जाएं। एंड मेरी अगेन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा मैं वही कह रहा हूँ ना कि बच्चे थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो यू आर इन द क्लासरूम और आप अपने टीचर के सामने हो, सो जस्ट फोकस किया करो लेक्चर के ऊपर। जी जज़ाकअल्लाह। ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं, कल मज़ीद 2 का हिंट दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है साउंड उसकी बात होगी। अच्छा मैं तो रिहा बेटा आपको लड़का ही समझता आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप साहिबा हो, सॉरी, इसलिए मुझे समझता, मैं समझ रहा था कि रिहा भाईजान है कोई हमारे। सर प्रोजेक्ट बेचने के लिए आपका नंबर चाहिए, मैंने मेरा बेटा यहाँ पे नंबर अपना कई दफ़ा शेयर कर दिया है, और यार जिनके पास है ज़रा काइंडली इनको बता भी दें। और आप सॉरी बेटे, मुझे यही था कि आप मतलब आपके नाम से लग रहा था कि लड़का हो, मैं तो इसलिए इस तरह से डील कर रहा था। सर पहले 3 करने, जी पहले 3 करने हैं। चले जी, जो लोग न्यू हैं अगेन उनको वेलकम हम लोग कहते हैं। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माजरत माफ़ी मांग सकते हैं, और पता नहीं इस तरह का कोई इशू हो सकता है मेरा बेटा होगा। सो यहाँ तक क्लियर है, तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जज़ाकअल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ही वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज़।